फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्री वैक्सीनेशन और पोस्ट वैक्सीनेशन क्या होता है रेबीज के वैक्सीन्स के अंदर। अगर आपको किसी कुत्ते ने काटा है तो आपको प्री वैक्सीनेशन क्या कराना है और पोस्ट वैक्सीनेशन क्या कराना है। आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि प्री वैक्सीनेशन और पोस्ट वैक्सीनेशन में क्या डिफरेंस है और हम इसे क्यों कराते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रेबीज इंजेक्शन ने जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की है आपके बॉडी में, क्या वो वायरसेस को ख़त्म कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो ये डिपेंड करता है प्री और पोस्ट वैक्सीनेशन के ऊपर। हम बात कर लेते हैं कि रेबीज जो वायरस है वो है क्या। देखिए, रेबीज वायरस जो होता है रेमडो फैमिली से बिलोंग करता है और ये वायरस वुलेट शेप का होता है और ये वायरस जो होता है आपकी बॉडी में बड़ी आसानी से एंटर कर जाता है अगर आपके कुत्ते या पालतू घरेलू कुत्ते या पालतू कुत्ते ने या आवारा जो कुत्ते डोमेस्टिक या अदरवाइज जो घूमते रहते हैं उन कुत्तों ने आपको किसी को काटा है तो वहाँ पर जो वायरस जाएगा वो रेबीज उसके अंदर जाएगा। ओके, अगर कोई कुत्ता किसी पेशेंट को काट लेता है या आपको काट लेता है तो वहाँ पर आपको करना क्या है। सबसे पहले काटी हुई जगह पर, जिस जगह पर कुत्ते ने काटा है उस जगह को अच्छे तरीके से साबुन से साफ़ कर लेना है, अच्छे तरीके से साबुन से क्लीन कर लेनी है और वहाँ पर अपने तुरंत डॉक्टर को, जो पास में डॉक्टर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं क्वालिफाइड, उनसे आपको कंसल्ट कर लेनी है। ओके, आप जो छोटे छोटे डॉक्टर्स होते हैं जो जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उनके पास अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसे जो वैक्सीन्स होते हैं, ऐसे जो बीमारियाँ होती हैं इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसलिए आपको वहाँ नहीं जाना है, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है। वो आपको और आपके बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन के बारे में या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, जो रेबीज़ होता है उसके सिम्टम्स अगर आपको एक दो दिन के अंदर कुत्ते ने काटा है तो हल्का सा फीवर आ सकता है, सर में दर्द हो सकता है, भूख ना लगना, ये हो सकता है। ठीक है, दो दो दिन बाद, तीन चार दिन बाद या एक वीक बाद आपको जैसे इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट हो सकती है, नींद नहीं आना या पानी से डर लगना, इस तरह की परेशानियाँ अगर आपको आती हैं कुत्ते के काटने के बाद तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है। इवन जब कुत्ता काट लेता है तभी आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है कि इंजेक्शन लगने हैं या नहीं लगने। प्री वैक्सीनेशन के बात करते हैं। अब प्री वैक्सीनेशन ये होता है कि जब आपको कुत्ते ने किसी ने काटा तो आपको 3 इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। ठीक है, टाइम ड्यूरेशंस के बाद में एक लीफलेट निकलती है, तो जैसे आज लग गया फिर 7वें दिन या 15वें दिन या 14वें दिन ऐसे इंजेक्शन लगते हैं। 3 इंजेक्शन आपको लगा दिए जाते हैं, वो होता है प्री वैक्सीनेशन ऑफ रेबीज। उसके बाद में कुछ टाइम बाद, जैसे कुत्ते को हम देखते हैं 10 दिन तक देखते हैं, 1 महीने तक कुत्ते को देखते हैं कि कुत्ते को कुछ हुआ तो नहीं, कुत्ता मरा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है हमें काटने के बाद कुत्ता मर गया हो। तो अगर कुत्ता मर जाता है तो आपको पोस्ट वैक्सीनेशन भी करा लेनी चाहिए 101%, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि अगर कुत्ता मर गया है तो उस कुत्ते को रेबीज वायरस था, एक्टिव फॉर्म में था, सक्रिय था, वो आपके बॉडी में आएगा और आपके बॉडी में भी एक्टिव होगा, आपके बॉडी में भी वो काम करेगा। ठीक है, तो बीमारी से बचने के लिए आपको पोस्ट वैक्सीनेशन के बारे में हमने समझा, कुत्ते ने अगर काट लिया है बाकी के जो 3-4 इंजेक्शन बचते हैं उसे पोस्ट वैक्सीन कहते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और इस वीडियो में जो जानकारी मैंने दी है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्थी।